पा रहे हैं आग पर काबू किया गया है, लेकिन काबू पा लिया गया। लेकिन फायर फाइटर्स की अगर बात करें वो अभी भी जो है काम पे लगे हुए, उनका ये मानना है कि कोई भी हमारी जो पूरी कोशिश होती है कि हम जानो माल के नुकसान से बचा सके लोगों। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो है आग पे थोड़ा सा काबू पा लिया गया, लेकिन अभी भी जो है फायर एंड इमरजेंसी के जो अहलकार है वो अपने काम पे लगे हुए, वो जो है पूरी कोशिश की है उन्होंने कि ये जो आग है ज्यादा ना फैले आगे, इधर के मकान जो इसके इर्द गिर्द में मकान थे उनमें ना फैले। जिसके आप देख सकते हैं कि आग जो है आज शाम के वक्त हवल के एक रेजिडेंशियल हाउस के ऊपर वाले महल में लगी थी, जहां पे बताया जा रहा है कि आग जो है काफी ज्यादा खतरनाक लगी थी, लेकिन फायर फाइटर्स की जानिब से अभी इस आग को काबू किया गया। काफी अहम रोल रहा है। देखने के लिए तमाशा देखने के लिए आते, लेकिन पुलिस की जाने से इनसे ये अपील की जा रही है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो फायर फाइटर्स के लोगों को काम करने दे, उनके लिए जो जगह छोड़े, क्योंकि ये गली जो है काफी ज्यादा कंजेस्टेड गली है, वहां से जगह ज्यादा नहीं, इसलिए लोगों को बताया जा रहा है कि आप जगह खाली करें। इसी वजह से ट्रैफिक को भी रोका गया ताकि फायर फाइटर्स को अपना काम करने में जो है कोई हर्ज ना हो। और आपको बताओ कि जो फायर फाइटर के अहलकार होता है ये अपनी तरह से ट्रेंड होता है जो कि आग को जो है इसके साथ डील करे, लेकिन जो लोकल्स होते हैं उनको इतना नहीं पता होता, इसलिए पुलिस इनसे ये गुजारिश कर रही है कि आप जो है रास्ता खुला रखें ताकि फायर फाइटर्स और जे के पुलिस के अहलकार जो है वो आराम से जो है ये काम कर सकते, अपना काम कर सके और आग पे जो है काबू पा ले। जैसे आप देख सकते हैं ये अभी भी लोग उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जगह है खाली किया जाए, और उनका ये भी कहना है कि ये एरिया जो है काफी ज्यादा कंजेस्टेड है, इसलिए लोगों से अपील की जा रही है कि वो जो है जगह को खाली करें ताकि इनको काम करने में कोई भी दुश्वारी ना हो। जी हां, आप लाइव मनाजिर देख रहे हैं।